हे गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन मेकअप लुक। सो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे क्लिक करो, ताकि मैं ऐसे ही लॉन्ग हेयर एंड ब्यूटी टिप्स पे वीडियोस बनाते रहती हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये निविया का क्रीम। तो मैं मॉइस्चराइज क्रीम जो है वो लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। तो ड्राई स्किन के लिए मैं ये निविया की मॉइस्चराइज क्रीम डेली लगाती हूँ अपनी स्किन पे, देन मैं मेरा मेकअप जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो नेक पे मैंने ऑलरेडी जो भी वैसलिन एंड जो भी पाउडर था वो मैंने लगा लिया है, ताकि मुझे ये वेयर करना था और ये व्हाइट है तो उसको कलर लग जाता, इसलिए मैंने पहले ही वो मेकअप करके देन ये हार जो है वो वेयर किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि एथेनिक वेयर में मेरे पास एकदम प्रॉपर वाला एथेनिक वेयर कपड़े है ही नहीं है, कब से मुझे लेने हैं पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। देन मैंने ये टॉप वेयर किया है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। पर ये मेकअप लुक आप कोई भी फंक्शन में कर सकते हो, तो मैं भी मेरे रक्षाबंधन के दिन यही वाला मेकअप लुक जो है वो क्रिएट करने वाली हूँ। सो देन इसके बाद हम लगाने वाले हैं यहाँ पे फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं फिटमी का 128 शेड वॉर्म न्यूड शेड जो है वो मैं लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे रहा मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, जो अभी मैंने इसे वॉश किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। देन मैं इसके ऊपर जो है पंप करूंगी, एंड देन मुझे जिधर जिधर लगता है पूरे फेस पे जो है आपको इसे लगा लेना है। मेरे फेस को ज्यादा मतलब फाउंडेशन जो है वो सूट नहीं होता है ज्यादा क्वांटिटी में, तो मैं ज्यादा फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। देन इसके बाद हम लगाने वाली हूँ यहाँ पे मैं पॉन्ड्स का बीबी क्रीम यूज करने वाली हूँ, एज अ मैं इसे कंसीलर यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैंने मेरा हैंड मिरर ले लिया है। तो कंसीलर जो है वो आपके डार्क एरिया, जहाँ पे भी आपको डार्क एरिया है, पिंपल जाने के बाद स्टेन छूट जाता है, आपके लिप्स के अराउंड, आपके आईज के अराउंड, नोज के अराउंड थोड़ा ब्लैक ब्लैक स्टेन रहता है, उसे हाइड करने के लिए जो है वो कंसीलर यूज करते हैं। और इसे यूज करने के बाद आपकी स्किन जो है वो इवन टोन हो जाती है। तो मुझे जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ मैंने जो है वो कंसीलर लगा लिया है। देन इसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगी। अगर आपका स्पंज जो है वो वाटर में गीला करके अगर आप इसे निचोड़ के अगर मेकअप ब्यूटी ब्लेंड जो करते हो आपका कंसीलर या फिर फाउंडेशन, तो एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो एकदम इवनली जो है वो ब्लेंड जो है वो हो जा रहा है। पे यूज कर रही हूँ लैक्मे का रोज पाउडर विद सनस्क्रीन, ये वाला लूज पाउडर जो है मैं यूज कर रही हूँ। तो आप कोई भी, मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं लूज पाउडर यूज करती हूँ, आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी जो है वो यूज कर सकते हैं।
उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है NYB का आई लव का आई शेडो पैलेट, तो इसी में अपने आईज का मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। और इससे ही जो ये डार्क ब्राउन शेड आप देख रहे हो, इससे मैं अपने आईब्रोज जो है वो फिल करने वाली हूँ। देन इसके बाद में ये जो पिंक कलर का शेड देख रहे हो, इससे मैं अपने आउटफिट को मैचिंग आई शेडो क्रिएट करने वाली हूँ। एंड देन इधर अंडर आई एरिया में भी इसी सेम शेड को मैं लगाऊंगी, ताकि आई जो है वो और भी ज्यादा इन्हांस और अच्छे लगे। मैं इसे सिर्फ आउटर में लगाऊंगी। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कलर बोर्ड का आई शेडो पैलेट। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ये व्हाइट कलर का ग्लिटर जो है ये अपनी इनर आई में लगाऊंगी। कुछ इस तरीके से इसकी पिगमेंटेशन काफी ज्यादा अच्छी है, ये तुरंत आईज पे जो है वो चिपक जाती है और आपको एक्स्ट्रा कोई कंसीलर या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ आईलाइनर, तो ये है ADS का आईलाइनर। बाद यहाँ पे मैं VOV वाटरप्रूफ वाला व्हाइट कलर का काजल जो है वो मैं लगाने वाली हूँ। अपने एज अ काजल मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं होता है, काजल मेरा तुरंत फैल जाता है, इसलिए मैं व्हाइट कलर का काजल जो है वो लगाने वाली हूँ। तो या आप देख सकते हैं आपकी आंखें बड़ी बड़ी हुई लगती है और देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है व्हाइट कलर का। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फेक आईलैशेस भी अप्लाई कर लिए हैं ऑफ कैमरा। यहाँ पे मैं मेबेलिन न्यूयॉर्क का मस्कारा हल्का सा अप्लाई कर लूंगी, ताकि ओरिजिनल एंड फेक आईलैशेस जो है वो एक साथ मिल जाए। देन इसके बाद में यहाँ पे शुगर का पिंकी ब्लश जो है वो मैं यूज करूंगी। थोड़ा नोज पे भी लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो ब्लश लगाने के बाद आपके फेस पे जो है वो अलग ही जो नूर है वो आ जाता है। देन मैं यहाँ पे अपने आउटफिट को मैचिंग स्विस ब्यूटी का इंस्टा ग्लो वाला जो है वो आई हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ, और शेड है 03। तो कोई भी टाइम पे अगर मुझे हाइलाइटर लगाना है तो यही लगाती हूँ, क्योंकि ये रोजी गोल्ड कलर है और आउटफिट पे जो है वो ये मैच हो जाता है। तो मैं कुछ इस तरीके से है लगाऊंगी। आपके नोज पे भी लगाना है एंड थोड़ा लिप्स के अपर साइड लगाना है। दैट्स इट। एंड देन आपको जो है इसे अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लेना है। इसके पीछे जो है वो ब्लेंडिंग स्पंज भी दिया है, तो मैं उससे ही जो है ये ब्लेंड कर लेती हूँ।
देन इसके बाद लगाने वाली हूँ लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैं ग्लिमर फॉर द ग्लैम लुक की जो ये लिपस्टिक है ये लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग ब्रश जो है इससे मैं अपने लिप्स को फिल करूंगी ताकि इससे जो है वो इवेंटली लिपस्टिक जो है वो लगे। देन सबसे लास्ट में हम इसे लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, मेकअप फिक्सर है ये, स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ ताकि आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, पूरा दिन आपके फेस पे टिका रहे। तो मैं ये लगा रही हूँ, आपको कुछ इस तरीके से दूर रखे ये स्प्रे करना है फेस पे। एंड थोड़ा सा इसे ड्राई होने देना है। इसके बाद लास्ट है मैं यहाँ पे बॉडी क्यूपाइड का परफ्यूम लगाऊंगी, ये फाइनल टचअप है। इसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहेगा ये बॉडी क्यूपाइड का परफ्यूम। सो या दिस इज द फाइनल लुक। तो तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको, बहुत सारा ढेर सारा प्यार करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही मैं लॉन्ग हेयर एंड ब्यूटी टिप्स के ऊपर वीडियोस लाते रहती हूँ। और अगर आप चाहते हो कि आपको मेरा मेकअप लुक भी अच्छा लगता है तो इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता नहीं चलता है कि आपको मेरी वीडियोस ये सब देखना भी पसंद है या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा मेकअप लुक भी अच्छा लगता है, तो मैं और भी नए नए मेकअप लुक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो वीडियोस पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों कैसे लग रहा है ये मेकअप लुक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्लीज। दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, वीडियो बनाओ, एडिट करो, अपलोड करो, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हमारे 300 के कंप्लीट होने पे ही है, तो जाओ यार जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे क्लिक करो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।